देखो परसों एक झगड़ा हुआ था डिग्री कॉलेज में, जिसके अंदर भी पुलिस ने कायमी करके दो लोग गिरफ्तार भी किए थे। उसके बाद कल जो है वहाँ पे एडमिशन को लेके कुछ तो स्टूडेंट्स के जो कुछ इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस बल और थाना, दो थाना प्रभारी भी वहाँ पे पहुँचे थे। पर कल सुबह की बात, एक घटना जो है, जो बता रहे कि कल सुबह की बात है, वो थोड़ा फेसबुक में वायरल हो रहा था कि एक छात्र जो है उसने फायरिंग किया, हवाई फायरिंग गेट के सामने, बाहर सड़क के पास गेट के पास आके फायरिंग किया है। तो उसकी पूरी पुलिस ने जांच की है, घटना सही होना पाया गया, तो आज अपराध पंजीबद्ध किए हैं और उस छात्र को गिरफ्तार किए हैं। और ये कहा जा रहा है कि छात्र जो है सिक्योरिटी गार्ड का राइफल लेके फायरिंग किया था, जो वहाँ पे गेट में तैनात थे। तो उस सिक्योरिटी गार्ड जिसके पास शस्त्र का लाइसेंस था, उनको भी आरोपी बनाया जा रहा है उस अपराध में, क्योंकि अपना लाइसेंस शस्त्र कोई दूसरे को देना अपराध होता है, और वो लाइसेंस की निरस्ती का भी कार्रवाई के लिए हम कलेक्टर साहब ने सर व्यवस्थाएं की जाए। देखिए कल भी हमारे एक पॉइंट वहाँ पे खड़ा था, गेट में नहीं, अंदर जहाँ पे एडमिशन की पूरी प्रक्रिया चल रही थी वहाँ पे हमारे एक पॉइंट खड़ा था। बाद में जब वहाँ पे कोई संघर्ष हो गया तो पूरे पुलिस बल भी पहुँच गए थे। मतलब ये घटना जो है वो बाहर गेट में रोड के पास हुआ है, जो लगभग आधा किलोमीटर दूर है कैंप जो बिल्डिंग से जो है, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। थाना भी नज़दीक वहाँ पे बगल में ही है, हमारे FRB भी वहाँ पे खड़ा है। देखिए अब वो पूछताछ कर रहे हैं उसका कि खुले रोड में फायरिंग करने की मानसिकता क्या है, क्या वजह थी, अभी पूछताछ चल रहा है, उसके बाद ही पता चलेगा।